हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कॉमिक जोन। प्रियंका को आधी पढ़ी लिखी कहना, सौंदर्या को पड़ा भारी। यूजर्स बोले चुम्मा चाटी करने से अच्छा है। तो क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। टीवी का विवादित शो बिग बॉस का 16वां सीजन फैंस के दिलों पर राज कर रहा है। शो को टीआरपी के चार्ट में ऊपर ले जाने के लिए मेकर्स और कंटेस्टेंट हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच शो के एक्सटेंशन की खबर फैंस को खुश कर दिया है। बिग बॉस 16 पांच हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, जिस वजह से कंटेस्टेंट खुश है और अब हर कोई बिग बॉस 16 की ट्रॉफी अपने नाम करने में लगा हुआ है। इसी बीच सोशल मीडिया पर सौंदर्या शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रियंका चहर चौधरी की बुराई करती हुई नजर आ रही हैं। इस वजह से उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। दरअसल वायरल वीडियो में सौंदर्या शर्मा और श्रीजा दे नजर आ रही है। दोनों ही गार्डन एरिया के टॉप एरिया में बैठी हुई है। इस दौरान प्रियंका चौधरी के बारे में बात कर रही है, जिसे दोनों की अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो में सौंदर्या शर्मा बोलती दिख रही है, प्रियंका चौधरी के पास गर्व है कि उनके पास उड़ारिया जैसा हिट शो था। लेकिन मैं भी कम नहीं हूं, मैं एक ऑर्थो डॉक्टर के साथ एक एक्ट्रेस भी हूं। वो लड़ाई में हमेशा अपना काम दिखाती है, हम तो नहीं दिखाते हैं। इसी बीच सौंदर्या में प्रियंका को आधी पढ़ी लिखी बोलती है, जिस वजह से प्रियंका चहर चौधरी के फैंस उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। और वहीं अतिराज नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, अरे बहन, वो अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, वो आपके जैसा मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुई है। आप दांत की डॉक्टर है तो क्या बदल दिया है, आप दोनों ही एक ही मंच पर है। और वहीं तमीमा नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, सौंदर्या कह रही है कि प्रियंका ग्रेजुएट नहीं है उनकी तरह, ये चाहे तो सब चीजें बता दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, वो अपने आप को महान लेडी समझकर रखी हुई है। तुम बाहर में जाओ अपने डेंटिस्ट की डिग्री लेकर। स्नेहा नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, डॉक्टर की पढ़ाई करके चुम्मिया चाटी करने से अच्छा थे 12वीं तक पढ़ के घर और दोस्ती संभाल लें। क्या सच में कोई किसी के प्रोफेशनल एजुकेशन के ऊपर जा सकता है या सबके इनके कॉन्ट्रैक्ट में से अलग था। बता दें कि बिग बॉस 16 में सौंदर्या शर्मा और गौतम विक के बीच काफी नजदीकियां भी देखने को मिली थी, जिस वजह से दोनों काफी ट्रोल भी हुए थे। हालांकि दोनों का कहना है कि वो अपने रिश्ते को लेकर काफी सीरियस है। गौतम विक तो बिग बॉस के घर से बाहर हो चुके हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।